वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी, आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग मेरा है सफर का ब्लॉग। आज मैं अपने घर से लेकर हॉस्पिटल तक सफर करने वाली हूँ, हॉस्पिटल जाने वाली हूँ। तो चलिए पूरे ब्लॉग में बने रहिए और मैं अपने सफर में क्या क्या करने वाली हूँ वो सारी चीजें आप लोगों को मैं दिखाऊंगी इस ब्लॉग में। तो प्लीज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो अभी मैं घर में ही बोल रही हूँ, आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा अभी हवा भी चल रहा है क्योंकि ठंड का दिन है। तो चलिए पूरे ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग गाड़ी बैठ चुके हैं, सुबह ही लोकल से निकले हैं अपने गांव से, गांव का गाड़ी से। अभी 6 बजने ही वाला है, 6 बजा नहीं बट 6 बजने वाला है। और ये देख रहे हो ये मेरा खस्सी है, इसको भी लेके जा रहे हैं क्योंकि घर में इसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तो इसको हम नानी घर में ही छोड़ देंगे और हम लोग फिर अपना हॉस्पिटल चले जाएँगे। तो देखिए ये सुबह सुबह और भी गाड़ी आ रहा है हम लोगों के गाड़ी के पीछे, और हम लोग बैठे हैं एक एम्बुलेंस में। हम लोग ना ही रिजर्व किए हैं ना ही कुछ किए, ये अपने आप ये वही हॉस्पिटल का ही गाड़ी आ रहा था। तो हम लोग बोले रिम्स जाना है तो उसको भी वहीं जाना है क्योंकि रिम्स का ही गाड़ी है ये एम्बुलेंस। तो हम लोग को ले लिया, बोला ठीक है चलिए इसी गाड़ी में, हम वहीं पे जा रहे हैं। तो हम लोग इसी गाड़ी में बैठ गए हैं और भी लोग बैठे हैं हम लोग के साथ ही, और भी लोग जा रहे हैं। तो देखिए ये मेरा सफ़र यहाँ से शुरू होता है और हम लोग अभी जा रहे हैं, रास्ते में हैं। और देखिए काफ़ी ठंड भी किया है, अभी पूरा सुबह भी नहीं हुआ है, हम लोग निकले हैं बहुत सुबह ही अपना घर से। तो चलिए पूरे ब्लॉग में बने रहिए। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग रांची रिम्स पहुंच चुके हैं क्योंकि ये गाड़ी खुद एम्बुलेंस है और रांची रिम्स का ही एम्बुलेंस है। और हम लोगों को बाय चांस कैसे मिल गया और हम लोग आसानी से इस गाड़ी से सफ़र कर लिए, आ गए हॉस्पिटल हम लोग उर्मा से और डायरेक्ट रांची रिम्स आए हैं इसी गाड़ी से। और हमें बहुत ही आराम से आने मिला और ज़्यादा भाड़ा भी नहीं लगा। और देखिए हम लोग अब उतर गए, हम लोग पहुँच गए हैं हॉस्पिटल। तो अब आगे आगे चलिए, ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ ब्लॉग पे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो ये रहा टिकट काउंटर, यहाँ पे हम लोग टोकन कटाते हैं और देख सकते हो आप लोग कितना लंबा लाइन लग चुका है, जेंट्स का अलग और लेडीज़ का अलग लगा हुआ है लाइन इतना लंबा लंबा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। और ये आप देख सकते हो ये घूंघट में बुरके में एक औरत थी, इनका भी मैं वीडियो बना ली। देखिए किस तरह से ये है, मुंह तक इनका आंख तक नहीं दिख रहा है, क्या हाल है भाई। चलिए आगे आगे बने रहिए ब्लॉग में, मैं टोकन कटा चुकी हूँ अपना और आगे जा रही हूँ अपना रिपोर्ट लाने के लिए। तो पूरे ब्लॉग में बने रहें और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट ब्लॉग पे दें। तो फ्रेंड्स अभी हम रूम नंबर देखते जा रहे हैं, मेरा रूम नंबर 316 में रिपोर्ट मिलेगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो माँ जा रही है आगे आगे और मैं पीछे से आ रही हूँ। और देखिए फाइनली अपना सारा रिपोर्ट लेकर के चेकअप भी करवा चुकी हूँ और माँ भी अपना कुछ चेकअप के लिए अंदर गई है, माँ को भी कुछ प्रॉब्लम था तो मैं बैठी हुई हूँ। और देखिए ये पीछे का सीन है, लोग किस तरह से यहाँ पे हैं मेरे पास में ही। देखिए यहाँ पर भी लाइन लगा हुआ है, जहाँ भी जाते हैं यहाँ रिम्स में हॉस्पिटल में हर जगह लाइन लग के अंदर जाना पड़ता है। और देखिए मैं अभी बैठी हुई हूँ यहाँ पे, अब हम लोग बाहर जाने लगे, माँ आ गई। फाइनली हमारा हो चुका है, रिपोर्ट भी मिल चुका है, चेकअप भी करवा चुकी हूँ, तब हम यहाँ से निकल चुके हैं घर अपना। तो फ्रेंड्स अभी अचानक से मेरी सांसें रुक गई थी, वो हुआ क्या कि चलिए आप लोगों को बताते हैं। फ्रेंड्स हम अपना रिपोर्ट लाने के लिए जहाँ गए थे तो रिपोर्ट आने में थोड़ा सा लेट हुआ, तो हम अपना बैग रख के बैठे हुए थे और रिपोर्ट मिला चल दिए, बैग छोड़ दिए, होश भी नहीं था ना मुझे ना माँ को। और वहाँ से काफ़ी दूर आ चुके थे फ्रेंड्स हम लोग, दूसरे तीसरे फ्लोर पर थे वहाँ बैग छोड़ करके, और हमको होश भी नहीं है कि मेरा बैग वहीं छूट चुका है। तो फ्रेंड्स फिर जब याद आया तब मैं गई तो फिर मेरा बैग देखे वहीं पर था, क्योंकि मेरा बैग में पिन उन लगा हुआ था, पुराना जैसा लग रहा था। तो शायद लोगों को लगा होगा कि पता नहीं कुछ नहीं होगा इसमें, इसलिए किसी ने नहीं उठाया और मेरा बैग भी मिल गया। मुझे अब कोई भी ऐसा डर नहीं है, अब मैं बहुत खुश हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स फाइनली रिपोर्ट मेरा मिल चुका है, मैं घर जा रही हूँ, आप लोग देख सकते हो। फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं और
ट्रेन का वेट में बैठे हुए हैं, देख सकते हो, और भी लोग हैं कुछ लोग, और माँ भी है। तो फ्रेंड्स, हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल से अपना नानी घर गए और नानी घर से फिर अपना घर जाने वाले हैं। तो अभी हम लोग सुबह सुबह आकर ट्रेन का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे पड़ता है चरही स्टेशन, फिर हम लोग चरही स्टेशन से उर्मा स्टेशन जाएंगे। अब मेरा घर पड़ता है वहीं तिलैया डैम, तो हम लोग उर्मा स्टेशन में उतरते हैं ट्रेन से जाते हैं। तो अभी हम ट्रेन बैठेंगे और ट्रेन से फिर हम लोग अपना घर जाएंगे। तो ट्रेन ही आने ही वाला है, तो हम लोग ट्रेन के वेट में बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स, आ चुका है हमारा ट्रेन और हम लोग इसी ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं। तो चलिए आगे आगे ब्लॉग में बने रहिए, हम लोग इसी ट्रेन में बैठने वाले हैं। तो हम जा रहे हैं बैठने के लिए अब हम लोग ट्रेन में। तो फ्रेंड्स, ट्रेन रुका हुआ था और कुछ बच्चे झोला ले करके पैसे मांगे फिर रहे थे। तो मुझे भी आकर एक बच्चा बोला कि 5 रुपया दो दीदी, तो हम उसे 10 रुपया दे दिए और बोले पढ़ रहा है, पढ़ाई वढ़ाई करता है। तो उन लोग भाग गया, बातचीत नहीं करने लगा। और देखिए ये माँ जी दही बेच रही है सुबह सुबह। चलिए पूरे ब्लॉग में बने रहिए, हम लोग अपना स्टेशन पहुँचने ही वाले हैं। फ्रेंड्स, हम लोग उर्मा स्टेशन पहुंच चुके हैं और ट्रेन से भी उतर गए हैं। तो अब अपना घर फाइनली हम लोग जा रहे हैं, इसी ट्रेन से हम लोग सफ़र किए थे।
अब हम लोग अपना गांव का गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये रहा हमारा तिलैया डैम। इस डैम को पार करके हम अपना गांव पहुंच जाते हैं और यही फाइनली हमारा लास्ट डैम रहा, हमारा लास्ट सफ़र रहा इसी गाड़ी पे। तो फ्रेंड्स, ये रहा तिलैया डैम, देख सकते हो आप लोग, काफ़ी खूबसूरत सीन है इसका और काफ़ी ज़्यादा पानी भी है अभी। तो हम लोग अब अपना गांव का गाड़ी बैठ चुके हैं, अब हम लोग घर पहुंचने ही वाले हैं। तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।